एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं बबीता, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल चरखी दादरी ब्लॉगर पर। और आज शनिवार और तारीख है 14 ही है और सुबह के 6:40 हो चुके हैं। तो आज का ब्लॉग मैं सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी मैं उठी हूँ सो के, तो अब मैं बनाती हूँ सबसे पहले चाय। और आपको पीछे घंटी की आवाज़ आती होगी, आज शनिवार है तो हमारे घर के पास ही शनि मंदिर है, तो वहाँ आरती या भजन वजन चालू हो जाते हैं। शनिवार को पूरा दिन ऐसा ही रहता है। तो चलिए मैं बनाती हूँ पहले चाय और फिर लगाऊंगी मशीन कपड़े धोने मेरे को, और फिर बनाती हूँ कुछ खाने के लिए। तो मैं वो जैसे जैसे करती जाऊँगी तो आपके साथ मैं शेयर करती जाऊँगी। और पहले बना लेती हूँ मैं चाय, चलिए आप भी पीजिए। तो यहाँ मैं आ चुकी हूँ अपनी किचन में, चाय मेरी बन चुकी है। सब्जी मैंने, जब तक मेरी चाय बनी तब तक मैंने सब्जी काट के रख दी। और अब चाय पीने के बाद एक बार चलाऊंगी मैं मशीन, क्योंकि आज कपड़े धोने हैं मुझे। मशीन चलाने के बाद मैं साथ साथ सब्जी भी रखूंगी। पीती हूँ चाय और मिलती हूँ फिर चाय पीने के बाद। चाय पी के मैं आ चुकी हूँ फिर वापस किचन के अंदर, और इस बीच मैंने मशीन चला दी। और तब तक मेरा एक चक्कर पूरा होता है, तब तक मैं सब्जी छोक दूँगी। तो यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ा ली और उसके अंदर डाल दिया तेल सरसों का, और इधर मैंने एक बड़ा प्याज छोटा छोटा काट लिया और दो छोटे छोटे टमाटर। सब्जी में मैंने 3 बड़े साइज के आलू और 2 शिमला मिर्च, बस यही आज सब्जी बनेगी, आलू शिमला मिर्च। और आटा मैं गूंथ के रख दूंगी, फिर जब खाएंगे तभी मैं खाना बना दूंगी। और ये डिब्बा देखिए, ये है मिठाई का डिब्बा, ऐसे डिब्बे हर घर में आते ही होंगे। ये जैसे इस तरह से जो ढक्कन का होता है उसको मैं ऐसे यूज कर लेती हूँ फ्रिज के अंदर, और जो ढक्कन का नहीं होता उसके अंदर मैं सब्जी कट करने के लिए या उसके छिलके डालने के लिए यूज कर लेती हूँ। ढक्कन का जो डिब्बा होता है उसको मैं ऐसे स्टोर करके रख लेती हूँ, किसी में लहसुन डाल लेती हूँ, किसी में हरी मिर्च, किसी में धनिया या मेथी, क्योंकि अच्छे से बंद हो जाता है और फ्रिज में फिर जगह भी कम ही घेरते हैं ये। तो ऐसे 4-5 डिब्बे मैंने फ्रिज में साइड में लगा के ही रखती हूँ, तो ऐसे डिब्बों को मैं फेंकती नहीं कभी भी। तो इधर मेरा तेल गर्म हो चुका है, तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी थोड़ा सा जीरा, और जीरा मेरा चटकने लगा तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी बारीक कटे हुए प्याज, और इसको मैं अच्छे से मिला लूँगी। ये देखिए, इधर ये जीरा मेरा थोड़ा थोड़ा सा ब्राउन हो चुका है। अब इस स्टेज के ऊपर मैं इसके अंदर डाल दूंगी टमाटर और इसको अच्छे से मिला लूंगी। गैस को मैंने मंदा किया हुआ है, तो इस बीच में मैं एक बार आटा लेने चली गई, एक बार मशीन में टाइम भरने के लिए चली गई। तो सुबह तो एक बार बाहर एक बार अंदर ऐसे लगा ही रहता है। तो ये टमाटर मेरे गल चुके हैं, थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं, तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च और खूब सारा सूखा धनिया पिसा हुआ, और स्वाद अनुसार नमक, और
आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, और इनके साथ साथ ही मैं डाल दूंगी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी मैं ज़्यादातर सब्जियों में डाल ही देती हूँ क्योंकि यह हमें बहुत पसंद है। और मसाला पकने के बाद मैं इसके अंदर डाल दूंगी अपनी सब्जी यानी आलू और शिमला मिर्च, और इसको मसाले में अच्छे से कोट करके और मैं इसको ढक के रख दूंगी। और अब निकालती हूँ मेरे कपड़े क्योंकि मशीन मेरी फिर से बोल चुकी है एक बार। तो आज मैं अपने इस ब्लॉग में अपना सुबह की रूटीन डाल रही हूँ। कपड़े निकालने के बाद मैंने दोबारा और कपड़े डाल दिए और वे धुलते हैं, तब तक मैं अपने अंदर का थोड़ा बहुत काम समेट लूँगी, जैसे कि कोई कपड़े उधर उधर बिखरे हुए हैं, कोई कुछ, कहीं कुर्सी है, कहीं चप्पल है, कहीं जूते हैं, और बच्चे अभी सो ही रहे हैं, उन्हें अभी मैं जगाऊंगी नहीं। और बीच बीच में मैंने सब्जी को भी संभाला, सब्जी मेरी बन चुकी है, आटा लग चुका है, और बीच में मैंने इनके लिए खाना बना दिया, ये खाना खा के जा चुके हैं। और तब तक मैं यहाँ पे, क्योंकि जहाँ कपड़े धोती हूँ वहाँ पानी तो गिर ही जाता है, वाइपर लगा लूँगी। कपड़े मेरे सूखने लग रहे हैं, मशीन के अंदर डाल दिए थे, तब तक मैं यहाँ झाड़ू निकाल लूँगी। और इधर इसी साइड में हमारा डोगी बन जाता है, रात को दूसरी साइड रखते हैं और सुबह होते ही इसको यहाँ आना होता है क्योंकि ये मेन गली है हमारी। और आज तो ऐसे शनिवार, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था ब्लॉग की शुरुआत में कि शनि मंदिर हमारे सामने, तो वहाँ अच्छी धूम सी मची रहती है शनिवार के दिन। लोग आते हैं तेल डालने के लिए, आरती होती है, भजन होते हैं और बहुत भीड़ रहती है, तो इसको ये देखने के लिए मिल जाते हैं यहाँ पे। और तो ये यहाँ रह के बहुत खुश रहता है। तब मैं निकाल दूँगी थोड़ी थोड़ी सी यहाँ से झाड़ू बाहर गेट पे। फिर आज कोई मेहमान आने वाला हमारे घर, एक बार उनके साथ जाऊँगी मैं मार्केट, तो वहाँ पता नहीं कितनी देर लगेगी, तो इससे पहले मैं यहाँ काम करके ही जाऊँगी। कपड़े मेरे सूख चुके हैं मशीन के और मैं इनको डाल दूँगी तार पे, तो अभी तब तक वे नहीं पहुँचेंगे तब तक मैं खाना बनाऊँगी बच्चों के लिए, और अगर वे जल्दी आ जाएंगे तो फिर आके ही बनाऊँगी। तब मैं पहले बना रही हूँ खाना। टाइम हो चुका है 12:40, यानी 1:45 होने वाले हैं, तो इनका मैं खाना बना के फिर एक बार चली जाऊंगी, तो पता नहीं कितनी देर लगेगी। और बेटी और बेटा मेरा, बेटी हिसार पढ़ती है और बेटा गुड़गांव, तो वो आए हुए थे, उनको जाना था सोमवार को, लेकिन ये कोरोना वायरस की वजह से उनकी छुट्टियां बढ़ चुकी हैं 31 तक, तो वे अब यहीं पे हैं, तभी उनके लिए मैं खाना लगा के और मैं चली जाऊंगी। छोटा बेटा मेरा गया अपनी बुआ जी के घर, तो अब मैं आ चुकी हूँ वापस घर और टाइम हो चुका है 4:30, शाम के 4:30 बज चुके हैं। बहुत ज़बरदस्त भूख लगी हुई थी, तो आके मैंने दो ब्रेडों को हवन में मैं थोड़ा मक्खन लगा के, मक्खन क्या मैं वो नूनी घी लगा के और इनको सेक लूँगी, और चाय के साथ मैं लेती हूँ दो ब्रेड। आज का वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो गया, तो इसलिए मैं करती हूँ यहीं पे वीडियो का एंड। अगर आपको मेरा आज का ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको मेरी आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मैं पीती हूँ चाय, आप भी पीजिए, और फिर मैं कल मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
Oh,